भाई कैमरा घुमा दिया तो थोड़ा राइट में देखो ना एक बार यहां पर ये कर लो राइट लुक राइट चेन डाउन आगे सजी रहा एक बार यहां पे सब लोग अलग से राइट अलग से राइट बोलो वन मोर सुनो सेंटर सेंटर मैं जाना है तो जा हैज टू डिफरेंट वर्जंस व्हिच इज बीइंग आई थिंक इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट्स रिमार्केबल व्हाट डू यू हैव टू से हाउ डिड द जर्नी हैपन मतलब ऐसे शुरुआत ऐसे हुई मैं और पाजी मैं एक्चुअली जब पाजी को मिला ना तो इन्हें लगा थोड़ा इनका टेस्ट ले लो कि कंपोज संपोज कैसे करते क्या है तो इनके घर पे पियानो मैं बजा रहा था बट वैसे ही हम बातचीत में बातें करते करते एक लाइन इन्होंने ऐसे जैसे बोलचाल में बोलते हैं कि अभी एक्सप्रेशन चेंज हो गया अभी जाना है तो जा कौन सा मर जाऊँगा तेरे बिना एंड वो लाइन हमें वहाँ से वो जो हुक क्रैक हुआ देन वी स्टार्टेड कंपोजिंग फिर हमने वहीं पर इनके घर पर ही इनके ऑफिस में हमने पियानो पे उसको पूरा स्ट्रक्चर बना लिया बट फिर इनका कुमार जी का एक्सप्रेशन था कि उसमें एक मतलब दर्द नहीं है कि लाइफ इज़ अबाउट मूव ऑन वो एंगर भी है कि तो वो वाला वर्जन जो है वो हमारा मेन वर्जन है पर जब मैंने गाना समझा तो मुझे उसके अंदर में वो एक सैडनेस भी लगी कि नहीं मतलब कह रहा है लड़का कि हाँ जाना है तो जा कौन सा मर जाऊँगा तेरे बिना पर उसके बाद भी वो अंदर ही अंदर मर भी रहा है और उस हिसाब से वो दो कॉन्सेप्ट बने थे फिर इरफान जब आए तब हमने दोनों ने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लोर करना एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इरफान की बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही गाने के दो मूड को बखूबी निभाएं और दोनों बिल्कुल अलग लगे सो इज़ पाजी तो अच्छा लिखते ही हैं और उसकी राइटिंग भी बहुत मॉडर्न और यूनिक राइटिंग है और कंपोजिशन में पहले जब बना रहे थे तो उसका कंपोज करने में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इसको लार्जर देन लाइफ बनाना है सो और वो वाला जो पेन पैथोस है एंगर है तो वी यूज डिस्टॉर्शन गिटार भी है साथ में वायलेंस के रन भी हैं तो म्यूजिकली डेट इज़ टू रिच और जो सेकंड वर्जन था वो हमने सोचा नहीं था बनाने का बट जब हमने पहला गाना रिलीज़ किया तो उसके 15 दिन में कुछ 1.5 लाख के ऊपर रील्स बनी जो इंस्टाग्राम के ऊपर में रील्स वगैरह बनी लोगों को बहुत पसंद आया और उसमें बहुत से रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे थे जो सिंगर्स के थे जो उसके कवर्स बनाते जा रहे थे और वो कह रहे थे दे वॉन्टेड टू हियर हिम सिंगिंग अनप्लग्ड वर्जन सो हमने बोला हम अनप्लग्ड नहीं करते लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर उसको वापस से क्योंकि अनप्लग्ड में क्या होता है जैसा आपने गाए उसी मूड को आप वापस कैरी करते हैं सो हमने उसी गाने को रिविजिट करके नया एक्सप्लोर किया एंड दैट इज़ हाउ इट हैपन्ड सी इट इज़ कंपोज हमेशा करना इट इज़ डिफ़िकल्ट ओनली ऐसा लगता है बट इट इज़ एज सिंपल एज अगर आपका अप्रोच और कॉन्सेप्ट पहले अगर क्लियर है देन इट डजेंट टेक टाइम तो और हमेशा गाने के लिए लोग मानते नहीं हैं गाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपोज़र म्यूज़िक सिंगर कुछ भी करे पर जब तक वो लिरिक्स नहीं होंगे जब तक वो शब्द नहीं होंगे वो ड्राइव नहीं कर सकते पाजी ने लिखा ही उतना अच्छा था तो उसको जब उसको पढ़ते हैं ना वो पढ़ते पढ़ते वो आपको ड्राइव करता है हाँ ये भी इमोशन इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है ये वाला भी अप्रोच लिया जा सकता है सो इट वॉज यू कैन थ्रो मोर लाइट I'll start with Kumar ji because composition में एक इतनी beautiful composition इतना प्यारा लिखना बहुत एक perfect गाना बन जाता है जैसे and we are hearing and we loving both the versions of it तो Kumar ji कैसा रहा पूरा you know पूरा एक journey जो रही आप सबकी एक नहीं दो गाने सिद्धार्थ ने आपको सब बता दिया पूरी दोहराने की जरूरत नहीं बट मैं इतने बोलूँगा सिद्धार्थ आर्टिस्ट के हार्ट को समझते हैं और समझदार म्यूजिशियन है ये कई बार होता है कि कंपोजर काम करता है आगे निकल जाता है बट इनकी खासियत है ये अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं वही बात मुझे अच्छी लगती है इनकी मेरा बेसिक जुड़ने का एक एंगल ये भी इनके साथ है कि एज ए गुड ह्यूमन बींग है और आर्टिस्ट की कदर करते हैं मेरे देखे पोस्टर आपने कई जगह लगा रखे हैं पोस्टर तो मैं तो छुप के बैठा था मशहूर कर दिया उन्होंने मुझे गाने बनते रहेंगे और गाने बनाएंगे कई बार आपका एक्सपीरियंस जो होता है मैं इनका शेयर करता हूँ जैसे लाइन आई पियानो पे बैठे थे इनको भी एक आग है अंदर जुनून है करने का वो जुनून जब होता है तो ऐसे धुनें बनती हैं गाने बनते हैं लाइफ में जो सेकंड वर्जन है उसमें एक अच्छी बात है कि वो उसमें लिरिक्स और ट्यून अपर लेवल पे है म्यूजिशियन अपर लेवल पे गाने के साथ और इरफान तो मतलब
इवांट कैसा रहा एक्सपीरियंस एक नहीं दो गानों का एक आर्टिस्ट वर्जन आना इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड इट्स मैटर ऑफ यू नो एक्नॉलेजमेंट के एक आर्टिस्ट को एक यू नो एज कुमार जी जैसे कि होल्डिंग पे आना बिकॉज बहुत कम देखने को मिलता है यू आइदर ये शायद किसी दिन मुझे मैं काफ़ी जैसे इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ काफ़ी गाने किए पर ये सोच किसके पास नहीं आई थी या फिर वो सोच आई नहीं होगी करना भी चाहते होंगे तो नहीं हुआ लेकिन सिद्धार्थ ने वो किया है आई थिंक आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू आगे लेके जाना चलो नाम होता है राइटर्स का सिंगर्स का बट हर बार सिंगर्स ही होता था आगे बट कितनी मोटिवेशन मिलती है एक आर्टिस्ट को इस चीज़ से जब बिकॉज मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में कुछ लोग पोस्टर देख के तारीफ करते हैं कुछ देखते हैं दिल में दबा लेते हैं तारीफ इतना ही फर्क है इरफान कैसी रही जर्नी है इसके म्यूजिक वर्क्स के साथ इतना ब्यूटीफुल गाना आपका जो इतना अप्रिशिएट हो रहा है 1.5 लाख रील्स बन गई हैं दिस इज आर्टिस्टिक वर्जन एज वी यू नो वी रियली राइटली इफ यू पुट इट अक्रॉस व्हाट डू यू हैव टू से आई कैन ओनली से अ बिग 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 थैंक यू टू सिद्धार्थ जी कि इन्होंने इतना सोचा और एक गाने के पीछे इतनी मेहनत की इन्होंने कि ये बहुत बड़ी बात है और एज एन आर्टिस्ट एज ए म्यूजिशियन लिरिसिस्ट हम कह सकते हैं क्योंकि कुमार जी ने तो बहुत सारे गाने लिखे हैं मैंने भी कुछ गाने गाए हैं फिल्मों में बट कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे किसी गाने को लेके हमारे फेस को होर्डिंग्स पे लगाया गया है प्रमोट किया गया है इतनी एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है तो ये सिद्धार्थ जी का जो विजन है और उनका जो एक उनका एक अप्रोच है कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाने में ये बहुत बड़ी बात है और हम आर्टिस्ट के लिए सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी आपने इतना सोचा और लोगों ने जेन्युइनली इतना प्यार भी दिया है क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रमोट कर दिया और गाने को पुश किया लोगों को पसंद भी आ रहा है सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग विद एसके म्यूजिक वर्क्स और ये गाना एक वर्जन बना फिर लोगों ने पसंद किया दूसरा वर्जन बना वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है अभी सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस एंड हम आपकी एसके म्यूजिक वर्क्स कंपनी के सीईओ ने हमें बताया कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप मॉब हो रहे हैं इस गाने को लेकर पीपल आर लविंग इट दे आस्किंग यू टू यू नो सिंग द सॉन्ग ये किसी और गाने की प्रमोशन पे जाते हैं लेकिन गाना जाना तो एक्चुअली ये सच है ये बिल्कुल सच है मैं एक्चुअली मेरा अभी 4 गाने और रिलीज हुए हैं जाना है तो जाके अलावा अभी तो मैं एक दूसरे गाने को प्रमोट करने के लिए गया था एक जगह पर इंटरव्यू के लिए बट वहाँ पे मुझे जाना है तो जा के बारे में पूछा गया इस गाने का जिक्र किया गया सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग इससे पता चलता है कि गाना कितने लोगों के दिलों को छू रहा है सर आपकी जर्नी बहुत इंटेंस रही है म्यूज़िक को लेकर आपके म्यूज़िक में वो साउंड समझ में आता है इट इज़ लार्जर देन लाइफ जैसे अभी हम ये गाना सुन रहे थे तो इट इज़ साउंडिंग लाइक मोर लाइक अ फिल्म सॉन्ग जो नहीं सुनने को मिलता है तो यू नो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू पुटिंग अ सॉन्ग टुगेदर with right instruments being used see I always do it गाना जो होता है ना वो एक ही बार बनता है और उसके बाद में फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है तो जब आप पहली बार में कोई चीज़ के लिए छोटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते देन इट वो आपको हमेशा लाइफ टाइम खटकता रहेगा अब जैसे इस गाने में मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको ऑर्केस्ट्रल करना ये वो सो हमने अतुल रानिंगा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट भी किया है ऐश्वर्या ने प्रोग्रामिंग अच्छी की थी बट वो चीज़ें मिसिंग थी सो वी थॉट के चलो SOI सिंस मेरा एक शो है परफेक्ट अमालगमेशन सो आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियंस तो SOI को साथ में हम करते रहते थे सो वी हैड 26 वायलिंस रिकॉर्डेड यशराज में हमने जा कर के उसे रिकॉर्ड किया बट That is the fun of making music के जब आप उसको एक एक चीज़ को समझ के और वो करते हो क्योंकि as a musician what you enjoy आप सब बाकी चीज़ें बाद में enjoy करते हो जब लोग आपका गाना सुन के खुश हो रहे हैं उसकी खुशी तो मिलती है पर सबसे पहले खुशी अपनी मिलनी चाहिए हमें बनाते समय एक एक चीज़ करते समय उतने डिटेल में करने में वो सबसे बड़ा फ़न होता है जैसे ये सिंगर हैं तो ये जब उस गाने को इन्जॉय करेंगे खुद जब तक इन्जॉय नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते और रही बात आप जो प्रमोशन के कह रहे थे सो आई विल जस्ट मेक क्लियर मैं एज अ सिद्धार्थ कश्यप एज कंपोजर इज़ डिफरेंट सिद्धार्थ कश्यप फॉर SK म्यूजिक वर्क्स इज जिसके SK म्यूजिक वर्क्स में जो हमारी CEO है सनोवर वो करती बट हमारे एज अ रिकॉर्ड लेबल एक फिलोसॉफी शुरू से बिल्कुल क्लियर रही कि
म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, तो उसके लिए सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट उसके आर्टिस्ट हैं। गाना बना है, गाने के लिए वीडियो बना है, वीडियो के लिए गाना है। फिल्म में उल्टा होता है, फिल्म बनी है तो फिल्म के लिए गाना बनाना है। हमारे यहाँ पर वो हमारा हमारी ये कहानी गढ़ना है तो हम कहानी बाद में गढ़ते, पहले हम गाना बनाते। और गाना अगर बना हुआ है तो सबसे पहले उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोज़र, लिरिक राइटर और सिंगर। सो उस फिलोसॉफी को हम पूरी मेंटेन कर रखते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव अ विजन, एंड दैट इज़ वाई वी आर अ डिफरेंट रिकॉर्ड लेबल देन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड लेबल विच आर देयर। वो कैसे कर रहे हैं उससे मुझे कुछ भी नहीं, बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल और बीइंग एन आर्टिस्ट, आई वुड ऑलवेज एंश्योर कि सबसे पहले जो मकाम आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो मिले, और उसके साथ में फिर चीज़ें फॉलो हो जाती हैं। कुमार जी, कुछ इंटरेस्टिंग जब आप और सिद्धार्थ जी बैठकर जान कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ यू नो के लिरिक्स है, कुछ ऐसा यू नो कुछ एक होता है आपका भी एक व्यू पॉइंट सिद्धार्थ जी का, एनी क्लैशेस एनीवेयर? हम गाने के लिए मिलते नहीं है बेसिकली, हम बैठते और गाना बन जाते हैं। खूबसूरत बात है कि प्लान नहीं होता, गाना बैठ के बनाएंगे। और हम जब बैठते हैं ऑफिस में, ये पियानो पे बैठते हैं, कुछ सुर छेड़ते हैं, फिर राइटिंग आती है, और फिर ये कोई लाइन आ जाती है, फिर उसको कंपोज कर लेते हैं, फिर धुन तैयार करते हैं। तो मेरी गाना लिखने में एक हमेशा ये रही कि धुन पे भी ऐसा लिखो कि पेपर पे गाना उतरे तो ऐसा लगे पहले गाना लिखा हुआ था। सफाई इतनी होनी चाहिए ट्यून पे लिखने की। तो इनकी अच्छी बात है, राइटिंग को समझते हैं और शायर के दिल की बात को समझते हैं। शायर तो मैं हूँ नहीं बेसिकली, बट गीतकार हूँ लाइफ में, तो मेरे से ये अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी अभी और भी इनके लिए लिखना है, मुझे हमेशा बोलते हैं मेरी धुनों पे भी लिखो और धुनें पढ़ी। मैं वक्त के साथ हर धुन, वक्त एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, उस टाइम पे उस गाने पे भी लिखेंगे। अभी जैसे जाना तो जा, इसमें एक बात है इनसिक्योरिटी जो इश्क में होती है कि चल कोई बोलता है ना मैं चला गया तो तेरा होगा क्या, तो मैं बोला जाना तो जा, कौन सा मर जाऊँगा तेरे को। जब आप गाना अपना फाइनल आपने देखा, जो दो वर्जन्स, आपका फेवरेट वर्जन कौन सा है? मेरे दोनों ही वर्जन अच्छे, एक तो कमर्शियल पूरा है, एक आर्टिस्ट वर्जन जिसमें इंटरनेशनल फील है। जी हैज डायरेक्टेड ना, और डायरेक्ट किया, जब मैंने देखा तो मुझे एक जैसे इंटरनेशनल वीडियोज आते हैं उसका पूरा एक फील है गाने के अंदर। और वायलिन वाले आप क्या उनका नाम डीएल तो आज तक ये आर्टिस्ट भी जैसे वायलिन प्लेयर हैं उनको कभी वीडियो में आए नहीं थे, तो सिद्धार्थ इनको क्रेडिट जाता है इस बात का भी, वीडियो के अंदर है वो भी बहुत बड़ी बात है। आपका फेवरेट वर्जन? I think हम तीनों में से कोई भी एक चुन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही वर्जन हमारे वर्जन है और बहुत ही प्यार से बहुत एफर्ट डाल के हमने दोनों वर्जन बनाए हैं, तो आई कॉन्ट चूज़ वन। बट मैं सिद्धार्थ जी की एक बात को टेस्टिफाई करना चाहूँगा, जो उन्होंने बोला था कि आर्टिस्ट को हम गाना बनाते हैं और उसके फिर बाद सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने भी जितनी भी फिल्मों में गाने गाए हैं तो अक्सर ये होता है कि ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है, यहाँ गाना आता है फिल्म में, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से गाना है, ये कैरेक्टर है, ये उस मूड में है, तो उस हिसाब से हमको अपने आप को ढालना पड़ता है और गाने के लिए। बट यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है कि सिद्धार्थ जी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका गाना, एक कॉम्पोजिशन है, एक लिरिक्स हैं, इस गाने को लेकर फिर मुझे उसको निभाना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसका वीडियो कैसे बनेगा। तो द सॉन्ग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो एसके म्यूजिक वर्क्स में यहाँ पर हो रहा है। सर जी, आपसे तो डेफिनेटली आपके दोनों यू नो फेवरेट्स होंगे, बट एक तो होता है ये जो थोड़ा सा एज ओवर होता है दूसरे वर्जन से। देख दोनों वर्जन दोनों डिफरेंट अप्रोच है, बट अगर मुझे पर्सनली कभी भी सुनना होगा तो आई वुड अकेले अगर मैं खुद सुन रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन सुन रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट वर्जन ही सुनूंगा, एंड अगर मुझे देखना होगा तो फिर शायद मैं पहला वाला वर्जन देखूंगा। इसको उस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं जो मैंने उस दिन शूट पे किया था। हाँ, कि उसको इस तरह जैसे मेन वर्जन जो है वो ऐसा वर्जन है जिसका लड़के का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, वो थोड़ा सा गुस्से में है, एग्रेशन में है, तो जो लोग उस फेज़ में अपनी लाइफ के उनके लिए पहला वर्जन है, और जिनके लिए ये हो चुका है कई साल पहले, वो चली जा चुकी है लड़की और कई साल बीत चुके हैं, उनके लिए दूसरा वर्जन। तो सब ऑल हैप्पी। कौन सा वर्जन सुनने वाले हैं? आप दोनों वर्जन देखिए, दोनों वर्जन सुनिए। मुझे तो आर्टिस्ट वर्जन सुनना चाहिए। आर्टिस्ट वर्जन की खूबी यह है कि उसमें अतुल रानिंग है जो पियानो का बजा रहे हैं, डीएल है वो वायलिनिस्ट है। अतुल और डीएल मेरे साथ परफेक्ट अमलगमेशन में मेरे बैंड के भी मेंबर हैं, और हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि
आर्टिस्ट शुड बी फीचर्ड, फिर उसका वीडियो अजीज़ ने डायरेक्ट किया है। तो मेरा अजीज़ को एक ही ब्रीफ था कि हम वी वुड नॉट मेक इट लुक लाइक अ कवर सॉन्ग, वैसा नहीं दिखना चाहिए इसे, कुछ इसका जो जोन है उस जोन को एक्सप्लोर करो एंड मेक समथिंग के जो विजुअली अट्रैक्टिव लगे। मतलब म्यूजिशियंस भी फीचर्ड हैं, तो वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट शुड नॉट बी फीचर्ड जैसे सिंपल यूट्यूबर जैसे वीडियो बना रहे हैं। और वो दैट्स व्हाट आई टोल्ड इरफान के इसे लगा नहीं अपन कर लेंगे, मतलब नहीं वो नहीं करेंगे। देखो सिद्धार्थ कश्यप शुरू से, आप तो बहुत साल से देख रहे हैं एसके म्यूजिक वर्क, सिद्धार्थ कश्यप हमारे यहाँ एक फिलोसॉफी की है, करो तो पूरा दिल से करो या फिर बिल्कुल मत करो, फिर जो करते हैं फिर पूरा पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं करेंगे तब तक सक्सेस बात की बात है, वो सक्सेस मंजिल हो सकती है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो रास्ता हमेशा जब तक उतनी शिद्दत से उस पर नहीं चलेंगे तो वो वहाँ मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। आई मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने अभी सब म्यूजिशियंस का नाम मेंशन किया, जैसे कुमार जी ने से जो नए बच्चे जो सिंगर बन रहे हैं, जो आ रहे हैं गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है। ये जो पहला वर्जन है ना, म्यूजिकली वो एक सुर में है, वो ऊपर का सुर है, और जो दूसरा वर्जन है वो उससे दो नोट नीचे है। ये चाहते तो वो वहाँ पर गा सकते थे, पर इनकी समझ इतनी अच्छी लगी मुझे जब आ करके हमने उसके अप्रोच को डिसाइड किया कि इसमें वो सैडनेस चाहिए। सो ही हिमसेल्फ टोल्ड के इसे अपन एक नोट पूरा नीचे करते हैं एंड देन वी विल रेंडर इट। सो ये जो म्यूजिकल समझ होना ये बहुत बताता है कि ये गाते बहुत अच्छा है, इमोट तो करते हैं, लेकिन इनकी जो म्यूजिकलिटी और जो समझ है विच आई एम वेरी मच फैन ऑफ अबाउट इट। स्किल नीचे करने से भी लिरिक्स वही रहता ध्यान। लिरिक्स वही रहे।